হ্যালো, নমস্তে সকাল, কিনছো? কেমন আছো? কাছে কাই তো কেসে হো আপ লোক? উমিদ হ্যায় আপ লোক অচ্ছে হোঙ্গে। তো চলে শুরু করতে আজ কা ধাঁস ভিডিও। তো সবসে পহলে হুয়া করণ আর প্রতীক কে বীচ মে ভার্বাল দঙ্গল। প্রতীক নে আতে হি আপনা শুরু কর দিয়া কি ये हमेशा बल का प्रयोग करते हैं, मैंने शो को बहुत कुछ दिया है वो बल का प्रयोग, और सब कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला यही यही रूल दिया गया है कि आपको ये नहीं करना, और ये हमेशा ये बार बार रिपीट करते हैं, मैं गलतियां नहीं दोहराता हूँ। करण ने भी अपनी कामली इस बात को रखा है कि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो जाती है, तो गलती हो जाती है, मैं उस चीज़ के लिए सॉरी भी बोल चुका हूँ, मैंने माफ़ी मांग चुका हूँ। तो इस बात को रश्मि उन्हीं के तरफ से खेल रही थी, तो उन्होंने प्रतीक जो भी बोल रहा था उसका पॉइंट टू पॉइंट वो जवाब दे रही थी पूरी तरह से। वो आखिर में उन्होंने करण को ही शेव किया। तो बिग बॉस ने अपना प्लान करके ये टास्क दिया था नॉमिनेशन का कि अगर क्योंकि वीआईपी में से तो कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रतीक के तरफ नहीं था, सिर्फ एक रश्मि के अलावा। राखी प्रतीक को पसंद करती है, देवोलीना तो 100% करती है, और बिचुकुले जी प्रतीक को पसंद करते हैं, रितेश प्रतीक को पसंद करते हैं, तो सिर्फ रश्मि ही थी जो एक की वजह से गेम पलट सकता था। तो रश्मि जब अंदर गई, रश्मि अगर लास्ट में भी जाती तो वो कुछ वो भी प्रतीक के अपोजिट होता, वो सेफ होता, तो वो बीच में गई, पूरी तरह से गेम ही पलट गया, और रश्मि ने बचाया, करण को सेव किया। तो करण ने फिर आगे जाके राजीव को चूज़ किया, राजीव ने भी इतना बोला, राजीव जीत गए, उनको लगा WWF में मैं जीत गया हूँ, आगे जा आओगे आओगे बोले मैं खाना बनाता हूँ, तुम क्या समझते मुझे क्या नहीं समझते, ये है बोल रहा है, पूरा प्रतीक के साथ लगा हुआ है। उसके बाद जैसे तैसे करके राखी ने अपना राखी प्रतीक को नहीं बचा पाई, तो उससे उसको लगा कि अब रश्मि से अलग करते हैं, रश्मि ने तो अलग कर दिया तो हम भी अब अलग करते हैं। तो राखी ने जाके राजीव को सेव किया, और फिर निशांत को भी निकाला, नॉमिनेशन में डाल दिया। निशांत बोलते ये भाई 24 घंटे इंटरटेनमेंट के बेस पर कर रही है, भाई 24 घंटे में तो हम इनको इंटरटेनमेंट कहीं दे ही नहीं रहे, ये ऐसा बोल रही है, मैं कुछ और करने के चक्कर में ये लोग क्या क्या इधर से रश्मि अलग राखी अलग सब मिल के अलग कर गए, और बीच में लकीली राजीव सेव हो गए। तो राजीव हो गए हैं सेव, तो राजीव के सेव होने के बाद नॉन वीआईपीज में से बचा कौन? बचा है निशांत, शमिता, उमर, तेजा, करण, प्रतीक, ये लोग बचे हैं, ये लोग नॉमिनेशन में हैं। तो बिग बॉस को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ओम क्लीम प्लीम प्लीम करना पड़ेगा, और वीआईपीज लोगों को नॉर्मल बनाना होगा वीआईपीज से, क्योंकि वीआईपीज तो नॉमिनेट हो नहीं सकते। तो फिर निकलेगा कौन? ये स्ट्रांग कंटेस्टेंट निकलेंगे क्या? क्या वो निशांत को निकाल सकते हैं जो इतने स्ट्रांग है? समिता पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातें रखती है, उनको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अभी निकलेगा कौन? तो वीआईपीज में से भाई निकालना होगा किसी को, तो तिकड़म भिड़ाएंगे बिग बॉस अब कि किसको निकाला जाए। तो देखते हैं वीआईपीज को नॉर्मल कब बनाते हैं बिग बॉस, और आगे क्या गेम होता है बिग बॉस के हाउस में। जो भी होगा बहुत ही खतरनाक और अच्छा होगा, देखेंगे, हम लोग लुफ्त उठाएंगे। अब निशांत नॉमिनेट होने के बाद प्रतीक को बोल रहे थे कि देख भाई, तेजा यहाँ अपना करती है, शमिता अपना करती है, प्रतीक तुम अपना करते हो, करण अपना करता है, तेजा अपना करती, सब अपना अपना यहाँ कर रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे साथ पे कौन है। तो प्रतीक ने एक जवाब दिया कि भाई ये फैमिली शो नहीं है, आप खुद के लिए खेलने आए हो, खुद के लिए करो, किसी का सपोर्ट मिले ना मिले खुद खेलो, उनका बोलने का मतलब यही था। तो एक गेमर एक प्लेयर की तरह उसने जवाब दिया। और देवो और रश्मि के बीच में बढ़ रही हैं दूरियां, धीरे धीरे दूरियां दोनों के बीच में
दोनों की सोच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, कोई किसी को सेव कर रहा है, कोई किसी और को सेव कर रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रही है, बड़े की तकरार आगे जाके और बढ़ने वाली है। और राखी का प्लान हो रहा है कामयाब, क्योंकि वो फूट डालने वाली है, और कभी इधर फूट डालती है देवोलीना के कान में, कभी रश्मि के कान में, दोनों के कान में अलग अलग बातें बोलती हैं और फूट डालती है, तो उसका असर धीरे धीरे हो रहा है, राखी की चाल कामयाब हो रही है। और रितेश भी यहाँ गेम को समझने लगे हैं, जिस तरह से रश्मि ने जाके किया वो करण को सेव प्रतीक की जगह, तो रितेश समझ में आ रहा था कि रश्मि भाई अपना ही कर रही है, देवोलीना अपना कर रही है, अब उनको भी समझ में आ रहा है कि दोनों में से कोई भी हमारे हाथ में नहीं है। और बिचू गुले जी मराठी बिग बॉस होस्ट करने के चक्कर में राखी को बोल दिए कि तुमने भाड़े का पति लाया है क्या? अब बेचारी ने रात भर सोचा, रितेश ने भी सोचा, सुबह में उठ के बोलती है, गुस्सा आओ गुस्सा, मैं रेडी हो रही हूँ, जा रही हूँ बोलने, बिचुकुली बाहर आ बिचुकुला, तूने मेरे पति को भाड़े का पति बोला? क्यों बोला भाड़े का पति? तुम्हारी पत्नी भाड़े की है क्या? ये सब ड्रामा सोच समझ के किया, पूरा लग रहा था कि पूरा सोच समझ के नौटंकी हो रही है, कुछ रियल नहीं था इसमें, नौटंकी भरा था पूरा, क्या क्या कर रही है ये लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे पता नहीं। और पता चला है कि राखी, मैंने आज ही मुझे पता चला कि राखी बन चुकी है फर्स्ट फाइनलिस्ट बिग बॉस। क्या कर रहे हो बिग बॉस? और बिचुकुले जाके बोलते हैं कि भाई मैंने तो सॉरी बोल दिया समिता को, समिता बोलती है मेरी मॉम भी देख रही है, तो आप कैमरे में सॉरी बोल दो, क्योंकि मेरी मॉम भी शो देखती है। तो फिर बोलते मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, सेम टू यू, हो गया, देखो भाई मैंने सॉरी बोल दिया, सब लोग देख रहे हो, मैंने सॉरी बोल दिया है। तेजा सोचती है, हाँ हम लोगों को तो इतने दिन में सॉरी नहीं बोला, इसको सॉरी बोल दिया। तो आगे देखते हैं कौन जाएगा आगे गेम में, आगे कौन जाता है। अभी फिलहाल सबसे स्ट्रांग देखा जाए तो प्रतीक चल रहे हैं, क्योंकि उनकी जर्नी भी है वैसे, पहले पहले उसको सुनने को इतना कुछ मिला, और कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसने बहुत कुछ सुना है गेम में, 100% उसने दिया है, चोट खाई है, मार खाया है, गलत सब कुछ उसने बर्दाश्त किया है, और गेम को 100% दिया है, बिग बॉस के शो को दिया है 100%। तो प्रतीक तो आगे जाती है, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है वो। उसके बाद उमर रियाज नॉर्मल डॉक्टर, डॉक्टर का प्रोफेशन है उनका, वो छोड़ के अभी फ़िलहाल यहाँ पे आए हैं, तो इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तो कॉन्फिडेंस जो है उनमें कूट कूट के भरा है, क्योंकि रह जाते हैं कई लोग कि हम लोग कब बिग बॉस में जा पाएंगे, तो कुछ पकड़ भी पाएंगे कि नहीं। तो उसने आके बहुत कुछ किया है भाई, उसको हमेशा सुनने को मिला है कि अग्रेसिव है, अगर तुमको यहाँ काम नहीं मिला इस इंडस्ट्री में, अगर आगे नहीं जा पाए तो फिर डॉक्टर का इंडस्ट्री में भी आपको कुछ काम मिल पाएगा भी या नहीं मिल पाएगा, इस तरह की बातें सुनने को मिली है। फिर भी वो उन्होंने अपना किया है और गेम को अपना दिया है, गेम आगे खेलते गए हैं वो। तो उमर रियाज भी कहीं नहीं जाते, समिता सेट्टी पॉइंट टू पॉइंट अपना बात रखती हैं, वो भी एक स्ट्रांग कंटेस्टेंट हैं, और निशांत ऑफ कोर्स हैं ही, और करण कुंद्रा भी एक काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, बशर्ते कि वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस फ़िलहाल के लिए निकाल दे, और उनका फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है, और वो जीतने की क्वालिटी भी है उनमें, पर वो कुछ गलत आदतों को अगर छोड़ दे तो वो भी सोच जीतने के लायक है और जीत सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो जीते। पर देखते हैं आगे कौन होता है बिग बॉस का विनर, आगे देखते रहें बिग बॉस ओनली ऑन कलर्स। तो चलो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइज।